की दाल, और हम ऐसे पानी पानी दाल पसंद करते हैं क्योंकि मैं सब्जी बनी रही तो पानी पानी अच्छा लगता है दिव्या को पीने में। तो ये मूंग की दाल है, धुली वाली मूंग। वैसे बच्चे खाना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे तो पक्का खाएंगे बच्चा। तो देखिए इस रेसिपी को, क्या क्या छौंका लगता है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया तेज पत्ता और थोड़ा कड़ी पत्ता, ये हमने स्टोर कर रखा है। ये हमने इसको जब रोटी बनाने के बाद गर्म तवे में वो फ्राई करके रखा है, तो स्टोर करके ख़राब भी नहीं होता और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया, 2-4 सरसों के दाने ले लिए, ठीक है। अब ये मैंने ले लिया है जखिया, ये जखिया ले लिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा, ये रहा सौंफ और जीरा मिलाया है। तो इन 5 चीज़ों का हम छौंका लगाएंगे, 5 चीज़ों का छौंका लगाएंगे हम। और इसमें ये कड़ी पत्ता और तेज पत्ता डालेंगे। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, और मैं वैसे आप लोग घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम सरसों के तेल में फ्राई करते मैं घी इसको, क्योंकि मैं ये चौड़ा करते नहीं तो साइड का तेल जाता है। तो इसको चटकने और फिर उसके बाद डालेंगे तेज पत्ता। खूब अच्छे से चटक गए पत्ता, हो गया है। गैस को मैं हाई पर ऑन कर देती हूँ। बाकी मैंने मसाले भी डालती हूँ, फिर डालती हूँ इसके अंदर डाल, फिर दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने जितने भी चीज़ों का है सब छौंका लगा लिया। जो तेज पत्ता हो गया वो आयुर्वेदिक होता है, और कड़ी पत्ता भी आयुर्वेदिक काम करता है। जड़ी बूटी जितनी बूटी अपने अपने नुस्खे करती हैं, और तेज पत्ता डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपको मेरा ये मूंग की दाल धुली हुई रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।